हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मोहम्मद जमीर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन लास्ट वीडियो वी सॉ द टॉपिक चेजिंग द सी मॉन्स्टर एंड टुडे वी विल सॉल्व इट्स क्वेश्चन आंसर। टुडे वी विल सी इट्स इंग्लिश वर्कशॉप। हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में चेजिंग द सी मॉन्स्टर ये टॉपिक देखे हैं, आज हम उसके इंग्लिश वर्कशॉप या उसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, From the passage, find all the words and phrases used to describe the monster. Monster को describe करने के लिए passage में कौन कौन से words या phrases आए हैं वो हमको ढूंढ के लिखना है। Answer मैंने लिखा है the animal, the fearsome creature, unknown creature, a long blackish body, that infernal beast, the मोशनलेस एनिमल्स। ये वर्ड्स का जो है इस्तेमाल किया गया है सी मॉन्स्टर को बयान करने के लिए। नंबर टू, हाउ लॉन्ग डज द होल इवेंट डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज टेक। इस पैसेज में जो इवेंट है, जो वाकया हुआ, उसको कितना टाइम लगा। वर्क इट आउट बाय रीडिंग द पैसेज। पैसेज को पढ़ के हमको जो है वर्कआउट करना है, लिखना है ये। तो इसका आंसर है The event takes a long time from the night before till the next evening. ये जो event है वो कितना time लगा उसको, from the night before, यानी कि पिछली रात से लेके अगले दिन की रात तक, अगली शाम तक इसका time लगा है। Number थ्री, how did the battle between the ship and the monster end? उस ship में और उस monster के बीच में जो battle थी, जो जंग थी, वो कैसे ख़त्म हुई। Find and copy the lines where you find the answer to the question. इस question का answer आपको किन किन line में मिला है वो आपको देख कर लिखना है। Answer है When the ship was 20 feet away from the monster, जब ship monster से 20 feet दूर थी, Ned Land launched his harpoon. Ned Land ने अपना harpoon launch किया। The weapon hit some हार्ड सब्सटेंस, जो वेपन है, जो हथियार है, वो किसी सख्त चीज़ पर जाकर लगा। उसके बाद द इलेक्ट्रिक लाइट ऑफ द मॉन्स्टर वेंट आउट, उस मॉन्स्टर की जो चमक थी वो ख़त्म हो गई। एंड टू इनॉर्मस वाटर स्पॉट्स क्रैश इन टू द डेक ऑफ द फ्रिगेट, और दो तेज़ लहरें जो है आकर उससे टकराई, जहाज से, शिप से। स्पीडिंग लाइक अ टोरेंट फ्रॉम वन एंड टू द शिप टू द अदर, शिप के एक किनारे से लेके दूसरे कोने तक तेज़ रफ्तार से। दिस टॉपल्ड क्रूमैन ब्रोक स्पेयर मास्ट एंड यार्ड आर्म्स फ्रॉम द लैशिंग्स, इससे जो क्रूमैन थे वो सब गिर गए, और जो मास्ट यानी कि जो जहाज के पोल वगैरह थे वो सब क्या हो गए, वो टूट गए। अ हेडस कॉलिजन एंड ऑकर्ड हैड ऑकर्ड एंड द नरेटर वॉज थ्रोन इन टू द सी, और एक ज़ोरदार टक्कर हुई और जो नरेटर है, जो कहानी लिखने वाले हैं, जो सुना रहे हैं, वो समंदर में जाकर गिर गए। द बैटल एंडेड देयर, यहाँ पर ख़त्म हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर फोर, What attempts did the ship make to defeat the monster? Monster को हराने के लिए ship ने क्या क्या कोशिश किए। Find and copy lines from the passage describing. Passage में से वो line ढूंढ के आपको लिखना है। Answer इसका, In the first attempt, the cannoneer fired a shot but failed the target. पहले attempt में cannoneer जो था, जो तोपची था, उसने जो है गोला दागा लेकिन टारगेट पर नहीं लगा। देन एन ओल्ड बियर्डेड गनर टुक अ एम फॉर अ गुड वाइल, उसके बाद एक बूढ़ा जो गनर था वो आया और उसने बहुत देर तक निशाना लगाया। द शेल रीच द टारगेट एंड हिट द एनिमल बट इट बाउंस ऑफ इट्स राउंडेड सरफेस, जो शेल है, जो गोला है, वो जाकर उस टारगेट पर लगा लेकिन उस पर टप्पा खा के जो है वो दूर चला गया। उसके बाद इन द सेकंड अटेम्प्ट द नेड लैंड लॉन्च हिज हार्पून हार्डली 20 फीट अवे
फ्रॉम द एनिमल। सेकंड अटेम्प्ट में जो नेडलैंड है उसने अपना जो हारपून जो हथियार है भाले के जैसा उसको लॉन्च किया, उससे मारा 20 फीट दूर से जानवर से, बट ऑफ नो यूज़, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टू एनॉर्मस वाटर स्पॉट्स क्रैश्ड एंड डिवास्टेड द शिप एंड देयर अटेम्प्ट्स वाज फेल्ड। और जो दो तेज़ लहरें उठे उसमें पूरी शिप जो है वो क्रैश हो गई और उनका जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मेंशन्ड इन द पैसेज। पैसेज में जो गिनने के अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल किया गया है नाप के, वो आपको लिखना है। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम फ्रॉम द इंटरनेट, और उनके बारे में इंटरनेट से और ज़्यादा मालूमात आप जमा करो। आंसर है द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मेंशन्ड इन द पैसेज आर, पैसेज में कौन कौन से यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, माइल्स, मीटर, फीट, इंच, केबल लेंथ वगैरह वगैरह। और क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ऑल द वर्ड्स एंडिंग विद सफिक्स लेस। सफिक्स जो लेस है उससे इस्तेमाल होने वाले 3 वर्ड्स आपको इसमें से ढूंढना है टॉपिक में से। आंसर है इसमें मोशनलेस, इमोशनलेस और टायरलेस, ये 3 जो है सफिक्स लेस वाले वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं। ठीक है, इसके बाद एक 2 मिनट का ओरल वर्क है जो आपको करना है। थिंक ऑफ एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल रिलेटेड टू द सी, अ शिप, अ बैटल। 2 मिनट में आपको सोचना है ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स सी के बारे में, समंदर के बारे में, शिप के बारे में और बैटल के बारे में, जंग के बारे में। तो यहाँ पर हमने इसकी जो वर्कशॉप है वो देख ली है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।